तो 2 बजे से ना वो गुम हो गए, पता नहीं कहाँ पे है। वैसे गाइस एक बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी ना आ सकता है। ये चीज देखो कितनी छोटी खिड़की। हेलो गाइस, हम फुचके खा रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब भाई, होप आप सब बढ़िया होंगे और सब घर पे मौज ले रहे होंगे। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 8, और जैसे कि आपको पता है कि हम खाटू से हम आए हुए हैं, काफी ज्यादा लेट हो गए। वैसे हमारा प्लान तो ये था कि ना जल्दी चलते 7 बजे, और है ना अभी बहुत ज्यादा भीड़ होगी, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ होगी। फिलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमने कर लिया है, अब चलते हैं रूम से, यहाँ से चलेंगे। बस सारे रेडी हो चुके हैं, सब भैया रेडी हो चुके हैं, तो अब चलिए जल्दी से जल्दी चलते हैं। और आज दशहरा भी है, तो दशहरा में तो और भी ज्यादा होगी। वैसे गाइस एक बात और बता देता हूं, हमने से 2-3 घंटे रेस्ट किया है। तो गाइस आज की मोटिवेशन लाइन ये है कि यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर, नॉट व्हाट यू विश फॉर। इस लाइन का मतलब ये कि आपको वही मिलता है जिसके लिए आप काम करते हो, ना कि जो आप चाहते हो। फिलहाल अब जल्दी से जल्दी चलते हैं। तो गाइस गाड़ी होटल के पास ही खड़ी होगी। होटल है ना मंदिर से कम 1 किलोमीटर दूर है, तो हमें 1 किलोमीटर दूर है ना पैदल जाना पड़ेगा। तो बस अब चलते हैं यार। तो गाइस भैया और तो सारे है ना उगाने पैर चल रहे हैं, और बट मैं जूते पहना है, और भैया कह रहे हैं कि ना तेरे जूते गुम करवाऊंगा क्योंकि तू जूते नहीं काट गया है। सबसे बड़ी मेन बात यह है यहाँ पे इतने कंकर वगैरह, कहीं चुपचाप जगह कंकर पैरों में और दिक्कत हो जाएगी यार। पैर तो स्टील का है नहीं, मैंने मना तो नहीं किया था। तो गाइस गाइस आगे जाके ना रोड कच्ची है, बिल्कुल ही कच्ची रोड है, क्योंकि पिछली बार भी आए थे ना तो दिक्कत हुई थी। जैसे गाइस आपको बताइए, खाटू श्याम जी की पूजा इतर और साथ के साथ गुलाब से होती है, तो हमने दोनों चीज ले लिया और साथ के साथ प्रसाद ले लिया। तो अब लाइन में लग चुके, और ये नहीं पता कि लाइन कितनी लंबी है। यहाँ पे तो भीड़ बिल्कुल कम है, और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है गुलाब वाली। गाइस ऐसी गोल गोल घूम रहे हैं क्योंकि लाइन बिल्कुल ही खाली पड़ी है, यहाँ पे आगे जाके भीड़ होगी। गाइस हमने शॉर्टकट मार के ना हम अलग लाइन में आ गए, और यहाँ पे लाइन बिल्कुल ही खाली पड़ी है, बिल्कुल ही। ये देखना, ये देखो पीछे कोई भी नहीं है, एक दो ही बंदे हैं। तो 2 बजे से ना वो गुम हो गए, पता नहीं कहाँ पे है, तो हमने शॉर्टकट मारने, तो वो पीछे रह गए, देखो वो रे। अब हम वेट कर रहे हैं उन भैया के, क्योंकि ना वो पीछे रह गए थे, ऐसे वो आएंगे फिर चल पड़ेंगे। दर्शन तो कर लिया, बाकी मेन मंदिर में फोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो फिर आगे वीडियो मैंने शूट नहीं की। मेन मंदिर की दूसरी साइड है, तो जा रहे एक और मंदिर है यहाँ पे आसपास, प्राचीन मंदिर। सबसे पहले मैं शूज ले लेता हूँ। बाकी गाइस एक बात और बताऊँ, यहाँ के मंदिर की वाइब्स है ना सबसे अलग ही है, बहुत ज्यादा मजा आया अंदर जाके। गाइस सबसे बढ़िया बात ये थी कि भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत जल्दी दर्शन हो गए हमारे। पिछली बार है ना प्राचीन मंदिर में हम आ ही नहीं पाए थे, क्योंकि ये मंदिर बंद था बिल्कुल ही, कोरोना वायरस के चक्कर में नहीं आ पाए थे, तो आज आए हैं। वैसे गाइस एक बात करूं तो यहाँ पे कोई भी ना आ सकता है। तो गाइस मैंने यहाँ पे हाथ पैर धोया, और कहते हैं कि ये पवित्र जल है, तो बस हाथ पैर धोया, आगे तो हम आ ही गए थे। गाइस एक बात और बताऊं, यहाँ पे मेरे पैर पूरे गीले हो गए, तो अब जूते कैसे पहनूंगा, मेरे को ये दिक्कत हो रही है। यहाँ पे धूप में खड़ा रहना पड़ेगा 1-2 मिनट ताकि मेरे पैर सूख जाए, फिर उसके बाद ही पहनूंगा जूते, क्योंकि ना जूते में स्मेल आने लग जाएगी फिर। पिछली बार आए थे ना, तो वहाँ पे बहुत मस्त गाने चल रहे थे, वो डांस कर रहे थे पिछली बार। पता नहीं क्यों वहाँ पे आई नहीं स्पीकर वगैरह,
ये चीज देखो कितनी छोटी खिड़की, बहुत पुराना घर है वैसे तो। गाइस अब जाके जूते पहने मैंने और अब जाके मेरे पैर सूखे हैं, तो इतनी देर मैं हाथों में रख रहा था जूते। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये बैठे हो सुबह को दादा भी चलते हैं गाड़ी के पास। आपका प्लान ये है कि आप जाएंगे हर्ष पर्वत, है ना? हर्ष पर्वत से पहले इनको उतारेंगे। क्यों? दिमाग खराब कर दिया कल से मैंने तो आपको। हेलो गाइस, पता ही नहीं चलता यार। आप मेरी फैमिली, आपके साथ मैं बात नहीं करूंगा। ऐसे करेगा बात? 3 बजे तक तू सोया नहीं, फोन लेकर बैठा था। हेलो गाइस, हम पुचके खा रहे हैं। खाली पेट ही खा रहे वैसे तो। हेलो गाइस, हम पुचके खा रहे हैं। तो हमने पुचके तो खा लिया, तो अब चलते हैं होटल में और वहाँ से सीधा निकलेंगे हर्ष पर्वत के लिए। बाकी थोड़ी बहुत भूख लग रही थी ना, वो अब बिल्कुल भी नहीं लग रही। वैसे एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे है ना मेन गेट पे इतने सारे लोग खड़े हैं, इतने सारे लोग है और इतनी धूप में, तो इसे पता चलता है कि कितनी प्रेम भक्ति है। गाइस एक चीज और बताऊं, जो कल वाला व्लॉग था ना उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो उस चक्कर में ना मुझे वो व्लॉग है ना अभी अपलोड करना पड़ा। तो गाइस उस व्लॉग में ना एक जानवर था, तो फिर वो मैंने रात को एडिट करके ना व्लॉग अपलोड ही कर दिया अभी। और वैसे तो मैं शाम को करने वाला था, बट फिलहाल अभी कर दिया क्योंकि ना फोन काफी ज्यादा आने लगे थे मेरे पास। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आएगा उस पे। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं मार्स पर्वत पे, यहाँ से कम 22-23 किलोमीटर दूर है, तो चलिए चलते हैं।